तो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। और यहाँ पर आए हैं हम लोग छत पर। चढ़ने देना तेरे को, क्या करना। तो छत पर आए हैं और छत पे हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप है और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, थोड़ी अच्छी धूप है। अब सर्दियों की शुरुआत हो रही है तो अच्छी ही लगेगी धूप। और ये देखो, ये हैं गोवर्धन बाबा जो हमने बनाए थे, उनके कंडे मैंने बना दिए। और क्या होता है, गोवर्धन रख दे गंदा है। गोवर्धन बाबा के जो कंडे होते हैं, वो मतलब गोवर्धन बाबा का जो गोबर होता है, उसके जो ये बनाते हैं ना उपले, तो ये होली में डाले जाते हैं। तो अब हम इसको पन्नी में पैक करके रख देंगे। जब ये पूरी तरह से सूख के एकदम करारे और कुरकुरे हो जाएंगे, तो हम इनको पन्नी में भर के रख देंगे। फिर होली पर जब पूजा करने जाते हैं, तो होली पूजने तब हम लेके जाएंगे। और निक्कू खेल रहा है अपने, क्या बोलते हैं इनको, एवेंजर्स के साथ। आगे ले ले। और मैं आई हूँ यहाँ पर, मैं पालक बीनूंगी बैठ कर। अरे धो मत, अरे मत धो, वो साफ नहीं होगा। तो निकू के एवेंजर्स भी आपको दिखा देती हूँ मैं। ये है निकू के एवेंजर्स। ये हल्क है, ये क्या है निकू, उसका नाम तो बताया नहीं मैंने। आयरन मैन है ये कौन है? कैप्टन अमेरिका। ये कैप्टन अमेरिका है। और ये कौन है? भूत जैसा। ये बैटमैन है। एंड ये कौन है, हथौड़े वाला? थोर। पता नहीं भाई इसको इसके नाम कैसे याद आता है। ये है इनका रिमोट, और ये काव्या के रिमोट खराब है, ये गाड़ी का था मतलब इसने बना लिया। और ये सब लोग आए हैं काव्या के बर्थडे के दिन। काव्या ने भी अपना कुछ स्पेशल गिफ्ट लिया है। काव्या बनी है पार्लर वाली, इसने पार्लर का सेट लिया है जिसमें पूरा ड्रेसिंग टेबल खुल जाता है, वो लिया है काव्या ने। तो ये नहीं, ऐसे अच्छा लग रहा है अगर ये सज जाएगी तो। गिर क्यों रहा है? अरे इसे ना उस जगह, ये देखो ये सारे लाइन से लग गए हैं, आप देख सकते हो आराम से। ये हल्क मुझे सबसे खतरनाक लग रहा है। हल्क सबसे खतरनाक लग रहा है, इसकी बॉडी कुछ ज्यादा अच्छी है, बॉडी अच्छी है इसकी, बढ़िया बॉडी है। तो ये सुंदर लग रहा है, सुंदर तो है नहीं कोई सा भी। ये थोड़ा स्मार्ट है बंदा, ये क्या बोलते हैं इसको, थोर। थोड़ा शक्ल अच्छी है मुझे इसकी, तो ये स्मार्ट मैं इसके लगते हैं। कपड़े भी ढंग के लग रहे हैं थोड़े। ये मुझे पता तो नहीं ये सब का स्मार्ट बना है, भूत तो और पागल लग रहा है मेरे को। भाई, इसने ना आयरन के कपड़े पहन रखे हैं, ये आयरन के कपड़े पहने हुए, इसको बोल रहा है निकू आयरन मैन, वो भी लोहे के। लोहे के। इसके ऊपर ए लिखा है तो कैप्टन अमेरिका नहीं है क्या? ए लिखा है तो तेरे को इन कैप्टन। सबके नाम कैसे पता लगे? भाई मुझे तो पहले से ही पता है। नहीं, पहले से क्या पैदा हुआ था तभी से पता लगे। हाँ यहाँ पे मैं बीनने जा रही हूँ पालक, तो पालक पनीर आज बनाएंगे हम, पालक एक पनीर। बार एवेंजर की पिक्चर नहीं आई थी, उसमें सब नाम बोल रहे थे, मुझे तो स्पाइडरमैन का भी नाम पता है। क्या है ना, यहाँ पे हम धूप में बैठ के आराम से पालक बीन अच्छा लेंगे। थैनोस को जानते हो? थैनोस ये कौन है भाई? इन सब का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन। थानोस? तो तेरे को नहीं मिला वो दुश्मन? वो इसमें आया ही नहीं। दुश्मनों की टीम अलग होगी भाई, हाँ इतना मतलब पैसा नहीं है हमारे पास कि हम बहुत दोस्त दुश्मन है दोस्त और दुश्मन सब दिलाते रहे तेरे भाई, को। एक नहीं पूरे 1500 दुश्मन है इसके। और इनकी टीम में कोई और भी था या यही है बस? अभी स्पाइडरमैन और क्या बोलता है उसे, वो स्पाइडरमैन था और क्या बोलते हैं, भाई ये भी हमने इसको चांदनी चौक से लाके दिया है, होलसेल मार्केट से, तभी हमें 280 रुपये का मिला है। लेकिन इसकी खास बात यह है, जो हमें घर में लाके पता लगी, इन सब में लाइट्स जलती है, लाइट्स। और ये अंधेरे में बहुत अच्छे लगते हैं, सब में लाइट जलती है ना निकू? ये क्या नाश मार रहा है इसको, पहले से ही ना सही कोई भी होता चीज़ होती है इसको ख़राब करना बहुत ज़रूरी है। ये भी 2-4 दिन का खेल है, फिर ये लोग मर मरा जाएंगे। तो हम बीन लेते हैं अपना पालक बैठ कर। ओ, मेरे गोबर के कंडे सूख रहे हैं यहाँ पर, सूखने वाले हैं, देख सकते हो आप, करारे और कुरकुरे होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये देखो, मैं पकड़ के इससे मुझे कोई घिन नहीं आती। हाँ गोबर गीला गीला सा था ना, तब मुझे दिखाओ, थोड़ा मैं सा। नहीं दिखाऊंगा बेटा, इनको हाथ में लगाओ, टूट जाएंगे। और ये पन्नी में इकट्ठे करके रखने, फिर होली की पूजा में लेके जाते हैं इनको हम। तो यहाँ पे हम बेल लेते हैं पालक। ये देखो पालक है 1/2 किलो, और थोड़ा सा पनीर मंगा लेंगे और बना लेंगे पालक पनीर। तो गाइस इस वीडियो का एंड करते हैं अब। यहाँ इनका झूला, पता नहीं भाई ये तो क्या खेल रहा है अपना। भाई हमारे घर में ना बड़े बड़े चूहे आ गए, ओह माय गॉड। और ये देखो मेरी बुद्धि, मैं गैस जला के भूल गई हूँ, और कब से गैस जला के भूली हूँ, बहुत देर होगी गैस जलते थे, इतनी सारी गैस फूक गई होगी मेरे घर की। कितने बड़े बड़े चूहे कहाँ से आ रहे हैं, बाप रे। ये ऊपर का दरवाज़ा खुला हुआ है ना, तो ऊपर से चूहे आ रहे हैं, छत पे से, नाली के अंदर से निकल के। हेलो, गुड इवनिंग गाइस।
सॉरी थोड़ी सी आवाज़ ख़राब हो रही है क्योंकि जुकाम हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, और आज इन दोनों भाई बहनों ने मुझे इतना बेवकूफ़ बनाया, इसने बनाया सबसे ज़्यादा। इनका ट्यूशन का टाइम होता है 4 बजे और ये महाशय उठ गए 4:30 बजे, सो रहे थे ये, क्योंकि हम 3 बजे सो गए थे। 3 बजे सो गए थे, लेकिन 4 बजे भी उठ सकता था, तो 4:30 उठा जानबूझ के। साढ़े चार नहीं उठा, गैस बंद कर दी भाई। 4:30 बजे तक तो मैं सोता रहा, 5 बजे हो गया मैं। 4:30 उठाए तू, तब से उठा पड़ा है। गैस बंद कर दी। ओ मैडम अभी तक सो रही है, ट्यूशन की छुट्टी हो गई, मज़े आ गए इनके छुट्टी करके, मेरे फालतू में मज़े आ गए इनके। और इन्होंने छुट्टी कर ली और काव्या सो रही है, काव्या भी उठेगी। दोनों के लिए मैंने चाय बना दी है, और चाय के साथ हम बात कर लूँ मैं, चाय के साथ हम खाएंगे भाजी। भाजी मतलब वो शादी में जो मिलती है ना, कचौड़ी लड्डू और उसके साथ मट्ठी वट्ठी समथिंग अटॉल उसके अंदर है मम्मा। भाई वीडियो की क्लैरिटी कितनी अच्छी आ रही है, लगता है मैं वीडियो नहीं बनाती ना आजकल, तो वीडियो मुझ पर मेहरबान हो रही है। तो क्या मम्मा मट्ठी तो सारी खत्म, ओए ऐसे मत बोल, काव्या खा गई। नहीं मैं खाऊंगी, अरे काव्या खा गई सच में, लेके डब्बा दिखा मेरे को, मट्ठी होगी उसके अंदर। भाई मट्ठी के बिना नहीं मानूंगी, चाय पीऊंगी मट्ठी के साथ। तो वीडियो बनाना आजकल बंद कर दिया मैंने, वीडियो डालती ही नहीं हूँ। ये वीडियो भी पता नहीं कब जाएगा आपके पास, राम जाने भगवान जाने। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, कुछ दिनों से मैं परेशान हूँ, और आ गया भाजी का डब्बा। तो देख मैं लो बोल रही देखा। थी पहले पूरी बात खत्म कर लेती हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो ऐसा लग रहा है कैमरा मेहरबान हो गया उस पर, कैमरा क्वालिटी देखो कितनी बढ़ रहा है। ओ सिर्फ लड्डू लड्डू और बालूशाही भरी पड़ी है। ये भाजी का डब्बा कल आया था, महारानी मैडम पूरी मट्ठी खा गई, सारी की सारी मट्ठी खा गई, और मट्ठी नहीं मिली मेरे को खाने के लिए। अब मैं चाय के साथ क्या खाऊंगी, मैं तो यही सपना देख रही थी, इतनी खुशी से मैंने चाय बनाई थी, मैंने सोचा मैं मट्ठी खाऊंगी चाय के साथ। ये तो बड़े दुख की बात है, बड़ा बुरा हुआ मेरे साथ। और अब मेरी हालत ऐसी नहीं कि मैं जाऊँ मट्ठी लेने, और आज ये सोच रही हूँ हर एक औरत की जो सवाल होता है हर रोज का, खाना क्या बनेगा आज, सब्जी क्या बनेगी, समझ में नहीं आ रहा मुझे। वैसे नए वाले आलू आ गए बाजार में बिकने के लिए, 40 रुपये किलो, तो कल मैं खरीद कर लाई थी, देखती हूँ आलू से क्या बन सकता है, वही बना दूंगी। और बाकी कुछ है नहीं, प्याज टमाटर तो घर में पड़े हुए हैं, आलू नहीं, आलू हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। और कल इनके पापा छुट्टी करेंगे, कल हमारे घर में ग्रिल लगेगी, रेलिंग लगेगी, सीढ़ियों पर रेलिंग नहीं है, ओपन है, तो डर भी लगता है गिरने का, बच्चों का भी हमारा भी, तो वहाँ पर रेलिंग लगेगी। और कल जो होगा वो तो कल ही पता चलेगा, मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। कल हमारे घर में कुछ बंदे आएंगे काम करने के लिए, वही हो रहेंगे। जुकाम इतना हो रहा है, लग रहा है मुंह से नहीं बोल रही नाक से बोल रही यार। नाक की दवाई आएगी ना, नाक की दवाई नहीं आती? आती है लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, पापा से मंगवा तू लो। मेरे से दूर हो जा, इन्फेक्शन फैल रहा है, इन्फेक्शन से तेरे को भी हो सकता है, दूर हो क्या जा। क्या क्या और एक क्या गले में भी ना पता नहीं क्या हो रहा है, शादी में गई थी यार, जब से आइसक्रीम खा ली ना तब से बुरा हाल हो गया, आइसक्रीम खा ली शादी में, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी। तो उठा देती हूँ काव्या को भी, दो तीनों लोग साथ में चाय पी लेंगे। गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं कब मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अब नहीं है, भाग गए। सरिया क्यों हुआ छोटा सा? छोटा नहीं है, छोटा नहीं पूरा भूचाल मचा दिया, है? पूरा भूचाल मचा दिया छत पे। ये मिट्टी है,
भगवान जाने बाकी क्या है क्या नहीं है। अब नीचे जाकर नींद आ जाएगी तुझे? नहीं अजान हो रही क्या कर रहा है? तो गुड इवनिंग गाइस, शाम के बज रहे हैं 7:15 और लेटी हुई मैं, ऐसे सो नहीं रही हूँ क्योंकि शाम के टाइम सोना नहीं चाहिए। और कैमरा हो रहा था गंदा सा तो मैंने साफ कर लिया है, हाथ लगाते रहते ना हो जाता है। तो कैमरे की क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है, मतलब क्लैरिटी कितनी अच्छी आ रही है, ऐसा लग रहा है पता नहीं नया फ़ोन ले लिया मैंने। गाइस नया नहीं है, सिर्फ कवर ही नया है। और निक्कू देख रहा है शिनचैन और काव्य गई है ट्यूशन। निक्कू तो मजे कर रहा है क्योंकि निक्कू को हो गया था फीवर, तो मैंने इसको नहीं भेजा है ट्यूशन। चाइना का सबसे फेमस कार्टून तो भी तो है, इंडिया का सबसे फेमस कार्टून तू है। तो काव्य गई है ट्यूशन, तो ट्यूशन से आने वाली है काव्य, 7 बजे आएगी। और निक्कू को नहीं भेजा, निक्कू नहीं गया आज स्कूल भी नहीं गया आज। स्कूल से इसकी टीचर का भी कॉल आया था कि स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, तो बता दिया उनको कल अगर नहीं गया तो कल तो लीव देकर आनी पड़ेगी। ऑनलाइन मैंने भेजी थी, एक्सेप्ट नहीं, उन्होंने कहा मेल कर दो या भेज दो, तो मैं भेज ही दूंगी हार्ड कॉपी। तो सिर में दर्द सा हो रहा है थोड़ा सा, हटना। और जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। आज तो आज खाने का टेंशन नहीं, आज बनेगी आलू गोभी। और आलू गोभी ऑलरेडी रखी हुई है, ये वाली लाइट्स भी जला देना, थोड़ी और लाइट आएगी, अच्छी अच्छी रोशनी आएगी। पंखा चलाने के लिए मैंने भी मना किया है और मैंने भी मना किया, पापा ने भी मना किया है, पंखे की वजह से ही इसको फीवर हो रहा है। पंखा बहुत ज़्यादा चलाता है ये, आ गई ना अच्छी सी लाइट, वाह। तो ये सारी सीलिंग लाइट चला दिया तो अच्छी लाइट हो गई है और भी बढ़िया सी क्लैरिटी आ रही है। और फोन मैं लूंगा, क्या करेगा फोन लेके? हाँ पूरे दिन, कल भी आपने पूरे दिन फोन देखा था, पूरा नेट खत्म कर दिया था, मुझे तो देखने नहीं देते। तो गाइस हमारे घर में वाईफाई अभी नहीं लगाया, हम लोगों ने घर बनाया था हमारा नया, तो उसके बाद वाईफाई, उससे पहले वाईफाई हट गया था जब घर बना था, कंस्ट्रक्शन हुआ था, और उसके बाद हमने जहमत नहीं करी वाईफाई लगाने की। मैं भाई के घर जाती हूँ, वहीं से अपलोड कर लेती हूँ वाईफाई पर, उसके वाईफाई पर। तो थोड़ा सा यार पैसा बचा रहे हैं अभी, बचा रहे क्या है मतलब, जो वाईफाई लगा लो फिर वहां पे, थोड़ी गोरी गोरी सी लग रही हूँ, है ना? तो सरसों का तेल लगाओगे तो हो गई ना, वो क्रीम लगाओगे तो हो गई ना। सबको बता रहा मेरा सीक्रेट, क्रीम तो मैं लगा ही नहीं रही हूँ, वो तो सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन लगा रही हूँ, लेकिन लग रही हूँ यार गोरी सी। लाइटों का कमाल है, लाइटें हाँ लाइटों का है, लेकिन अभी भी आप वैसे ही जैसे थे, बस लाइटों का ही कमाल है। कह रहा लाइट्स का कमाल है, बाकी आप अभी भी वैसी हो। और दांत कितने मोतियों जैसे चमक रहे हैं, चमक पे मत जाना गाइस, अंदर तो पूरा कबाड़ा है। अंदर के दांत तेरे भी खराब है, तेरे भी कीड़ा लगा है, तो चमक रही है। तो आलू गोभी बनाऊंगी मैं, एक तो मन कर रहा है मेरा चावल बना लूँ आलू गोभी के साथ, आलू गोभी की सब्जी के साथ। आलू गोभी बेकार होती है, अच्छी लगती है चावल के साथ। पागल है क्या, पनीर नहीं बनेगा आज, मन नहीं कर रहा खाने का। और आज आलू गोभी के साथ चावल बनाऊँ या फिर बनाऊँ रोटी। रोटी तो नहीं, सॉरी लगी तो नहीं, चल अपना कार्टून देख ले। निक्कू ने कुछ बोला लेकिन मैं नहीं बताऊंगी आपको। और तो ना आज सोच रही हूँ मैं चावल बना लूँ आलू गोभी के साथ, रोटी तो खाने का मन नहीं आज, चावल खाए भी नहीं हमने बहुत दिनों से। नहीं ना, वो कल ही तो खाए थे। कल कब खाए चावल?
कल ही तो खाए थे। पागल है क्या? कल हमने रोटी और बैंगन का भरता बनाया था, काइंडली योर इन्फॉर्मेशन याद दिला दूँ। तो चावल बनाऊंगी आलू गोभी के साथ, और मोटी वाली जो मिर्ची है ना उसको मैं नमक में फ्राई करके ना तवे पे बनाती हूँ अच्छे से, वो अच्छी लगती है मेरे को, तो वो मैं ज़रूर बनाऊंगी। उसका भी मन कर रहा है मेरा खाने का, आलू गोभी की सब्जी एंड मिर्ची लाइक अचार खा लेंगे, और कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। अच्छा मम्मा चाप बना, चाप खाने का मन इसका, चाप के लिए बोल रहा है, लेकिन आज चाप नहीं बनाऊंगी। बना दो। ओ गाइस चलो मिलते हैं, आजकल छोटी छोटी वीडियो शूट हो रही है और बहुत टाइम से मैं वीडियो भी नहीं बना रही हूँ। गाइस आप वीडियो को इतना अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो, क्या करूँ वीडियोस बना के, तो मन नहीं करता वीडियो बनाने का जब आपके लाइक नहीं आते, आपके व्यूज नहीं आते और बहुत अच्छे व्यूज नहीं आते, तो मन नहीं करता वीडियोस बनाने का, इसलिए नहीं बनाती बस। तो बनाऊंगी वीडियो अब, हर रोज डालूंगी वीडियो। सुनो गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेल आइकन, सब कुछ बोल दिया इसने, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेल आइकन ऑल्सो। तो गाइस इतने प्यार से बोल रहा है निक्कू, तो करना जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।